अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस मैं आज बहरीन, एक कंट्री है गल्फ में, जो वहाँ का कुछ रिक्वायरमेंट है एक कंपनी को, जो कुछ बंदे कुछ वर्कर चाहिए, इसमें बहुत सारा कैटेगरी है जो मैं अभी यहाँ पर अपडेट करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वीडियो देखोगे पूरा जब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है एक साथ में अपडेट करने वाला हूं मैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही है रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसी में रोज़ पर डे जो है ना जो नया नया अपडेट करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखो, ध्यान से देखो, जैसे ऐसा फिर बताऊँगा वो हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, वैसे आपको भेजना है, लेकिन वीडियो पूरा समझ लो, पूरा देख लो, और डॉक्यूमेंट जो जो बताता हूँ वो इसी हिसाब से आपको रेडी करना है। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो बहरीन की एक कंपनी है जिसको फर्नीचर फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, जो फर्नीचर लकड़ा का काम करता है उसको, जो फिनिशिंग का काम करता है वो चाहिए। 5 लड़के चाहिए इसमें। 110 बहरीनी दिनार सैलरी है, प्लस 25 दिनार उसको मिलेगा खाने का, ठीक है। और उसके बाद में उसी में चाहिए फर्नीचर स्प्रे पेंटर, जो फर्नीचर का लकड़ा का जो भी सामान बनता है, बेड सोफ़ा ये सब बनने के बाद में जो उसको पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, पॉलिशर जो बोलते हैं, वो चाहिए। 5 लड़के वो भी चाहिए। इसका सैलरी है 110 प्लस 25 दिनार उसको खाने का मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में प्लास्टर वर्कर चाहिए, प्लास्टर जो प्लास्टर करता है, मेसन, जो मेसन होता है, मेसन चाहिए। मेसन का सैलरी 100 है प्लस 120, ठीक है। और फिर दूसरा कैटेगरी है ऑफिस क्लियर चाहिए, जिसका सैलरी 120 बहरीनी दिनार है, और प्लस उसको खाने के लिए 20 दिनार अलग से आएगा, ठीक है। और ऑटो पेंटर चाहिए, जो गाड़ी को पेंट करते हैं वो पेंटर चाहिए, इसका सैलरी 120 बहरीनी दिनार है, खाना इसी में है। और फिर चाहिए वेल्डर फेब्रिकेटर, जिसका सैलरी 120 है, खाना इसी में है, ठीक है। और ये सारा कैटेगरी जो है इसमें रिटर्नर और फ्रेशर सब अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी सबका 8 घंटा है, 8 घंटे के बाद में ओवर टाइम है, हफ्ते दिन छुट्टी है, रूम कंपनी देगा और इकामा कंपनी देगा, 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल आने जाने के बाद में टिकट कंपनी देगा, ठीक है। अब इसमें फ्रेशर और रिटर्नर, पासपोर्ट ACR और ACNR सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्र 21 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए। और अगर बंदा रिटर्न है तो रिटर्नर का सैलरी अलग आएगा, अलग रहेगा, ये जो मैं सैलरी आपको बताया हूँ फ्रेशर का बताया हूँ। और अगर रिटर्न हो तो रिटर्न का सैलरी और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको, आप लोग सोच रहे होंगे अगर हम रिटर्न है तो फ्रेशर का तो सैलरी बता दिया गया है और रिटर्नर का कितना होगा। इसमें ऑफर लेटर कंपनी देगी, आप जब डॉक्यूमेंट भेजोगे आपका एक्सपीरियंस देखने के बाद में कंपनी बाकायदा ऑफर लेटर देगा, उसमें सारा लिखा रहेगा कि आपका सैलरी क्या लगा है, ठीक है। बाकी फैसिलिटी तो आपको सेम सबका एक ही रहेगा। और इसके बाद में अगर आप फ्रेश हो तो फ्रेशर अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, एक CV बनाओ, CV में पूरा बढ़िया से मेंशन करो, जो आपका ट्रेड है ट्रेड डालो, कहाँ कहाँ काम करे हो, कितने साल से काम करे हो, वो एक्सपीरियंस डालो, ठीक है। और उसके बाद में टेस्ट सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए, जो भी कोई भी कैटेगरी में अगर बंदा अप्लाई करना चाह रहा है अगर फ्रेश है तो टेस्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। अगर आपके पास टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले टेस्ट करवा लो, जैसा इंडिया के अंदर ABC है, ISA है, दिल्ली में ISA है, लखनऊ और मुंबई के अंदर ISA है और दिल्ली में ABC है, तो वहाँ पर जाके अपना जो कैटेगरी है आपका जो ट्रेड है वहाँ जाके अपना टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद में अगर फुल कारीगर होते हो, 60% 63% लेके आते हो, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना है। फिर अगर आप रिटर्न हो तो रिटर्न अगर आप हैं तो आपको वीजा कॉपी, मतलब इसमें जो डॉक्यूमेंट बताया हूँ इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या स्कैन करना है, आपके पासपोर्ट पे वीजा लगा होगा जो भी कंट्री से आप रिटर्न होंगे, और जहाँ पे भी काम करे होंगे वो कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है और आप गल्फ में चाहे 20 साल काम करे हो, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है यानी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट सर्टिफिकेट आपको भी लगाना है, ठीक है। तो अगर आप जैसा भी हो, फिर से रिटर्न हो, जैसे जैसा बताएं वैसा पहले आप डॉक्यूमेंट रेडी करो, रेडी करने के बाद में आपको कॉन्टेक्ट करना है, इधर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप इससे मैसेज करो, मैसेज करने के बाद में डॉक्यूमेंट आप डायरेक्ट भेजो, उसके बाद बताओ कि मैं ये चीज़ हूँ और इस यहाँ पे वीडियो देखा था, इस कंपनी के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अभी बहुत सारा मैं देख रहा हूँ मैसेज करते हैं सब कुछ वीडियो में, इसीलिए मैं पूरा डिटेल बाकायदा बताता हूँ, क्योंकि एक एक बंदे को मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारा मैसेज आ जाता है।
और आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो थोड़ा वेट करिए और रिप्लाई मिलेगा, लेट लपेट मिलेगा, लेकिन रिप्लाई सबको मैं देता हूँ क्योंकि बहुत मैसेज आ जाता है, 100 100 200 200 500 500 मैसेज एक एक दिन में पड़ा रहता है, तो सबको रिप्लाई करना पड़ता है। तो रिप्लाई जरूर, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करे हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज करे हो या कमेंट करे हो तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, लेट लपेट लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। और सारा चीज़ अगर वीडियो आप देख रहे हो सब कुछ आपको पता हो गया, ये जॉब में मुझे जाना है और ये अप्लाई करना है, फिर भी आप लोग क्या करते हो, उधर मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे कमेंट करते हो, बोलते हो भाई इस चीज़ का कोई काम है क्या आपके पास? अरे भाई जब आप वीडियो देख लिए, सारा चीज़ बता दिया हूँ, तो आप डायरेक्ट आपको मैसेज ही करना है, क्योंकि आपको एक दिन में मैसेज करोगे तो आपको एक दिन दिन भर में कहीं एक टाइम दो टाइम रिप्लाई मिलेगा। तो आप कभी भी जब मैसेज करो पूरा बाकायदा डिटेल बताओ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपना आना चाह रहा हूँ या मेरे रिलेशन वाले को बुलाना चाह रहा हूँ और वो इस चीज़ का काम करता है, वो रिटर्न है या फ्रेश है, और सारा चीज़ बता दो एक ही मैसेज में, और मुझे कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आप वीडियो देखे भूल गए तो वहाँ पे ये चीज़ बताओ, मैं आपको एक ही मैसेज में आपको बराबर से बता सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोग मैसेज एक टाइम करोगे हाय, फिर दूसरे दिन मैसेज करोगे सलाम अलैकुम, तीसरे दिन मैसेज करोगे कोई काम है क्या आपके पास, तो अब ऐसा काम नहीं होता है। आपको अगर जाना है और अच्छे से डिटेल चाहिए तो एक ही टाइम मैसेज करो, पूरा डिटेल नाम वाम के साथ में, क्या काम कर रहे हो, कितना दिन से काम कर रहे हो, फ्रेश हो रिटर्न हो, ठीक है, सारा चीज़ बताओ और कहाँ जाना चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपका, तो इंशाल्लाह मैं सब एक ही मैसेज के अंदर आपको सारा चीज़ बाकायदा अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम दिख रहा है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे कोई भी चीज़ बात करना है तो बात कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी छोटा छोटा वीडियो में जो रिक्वायरमेंट होता है अपडेट करता हूँ स्टेटस पे। और इंस्टाग्राम टिकटॉक चला रहे हो तो टिकटॉक पे फॉलो कर लो, यहाँ पे टिकटॉक का भी आईडी आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद में आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप मक्का का कोई भी एरिया देखना चाह रहे हो, मेरा दूसरा एक ब्लॉग चैनल है जो यहाँ पे अबाउट में जाओगे, ये जो यूट्यूब का लिंक है इसके अबाउट में जाओ, अबाउट के अंदर एक लिंक दिया हुआ है मक्का ब्लॉग करके, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो मेरा ब्लॉग चैनल है। आप मक्का का हर सिटी, मतलब मक्का सिटी के अंदर हर एरिया जो होता है, अच्छा अच्छा एरिया, हर चीज़ का, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ का मैंने ब्लॉग बना के डाला हुआ हूँ, आप वो भी देख सकते हो, मेरा वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगर आप ये जॉब आप वीडियो देख रहे हो, ये इस वीडियो के अंदर आपके कैटेगरी का कोई जॉब नहीं है तो आप मेरा पुराना वीडियो भी जाके देख सकते हो, बहुत सारा जो अभी भी काम चल रहा है, ठीक है, जैसा हेल्पर का हो गया, सुपरमार्केट का हो गया, ऑफिस क्लीनर का हो गया, और सुपरवाइजर इंजीनियर का हो गया, और बहुत सारा जो मतलब ट्रेड होते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ हूँ, आप पुराना वीडियो जाके देखो, अपना यूट्यूब के प्रोफाइल पर क्लिक करो, उसके बाद देखो वहाँ पर वीडियो करके एक लिंक आएगा, वीडियो करके एक ऑप्शन है, वो पे क्लिक करने के बाद पूरा सारा वीडियो क्लाइंट से आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके, बहुत सारा डिमांड मैंने जो ऑलरेडी बना के रखा हूँ वीडियो, और वो काम चल भी रहा है, वहाँ पे भी देख लो, हो सकता है आप जो चीज़ सर्च कर रहे हो, जो जॉब सर्च कर रहे हो सकता है वहाँ पे भी अवेलेबल हो, ठीक है, तो वहाँ देख लो, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल, अगर नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं पर डे डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, और वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप में भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं और टिकटॉक पे भी बताता हूँ, लेकिन वहाँ हर चीज़ हर आदमी को समझ में नहीं आता है, और डिमांड लेटर देने के बाद में अगर बंदा जो पढ़े लिखे है वो भी पूछता है कि भाई इसमें इसको कैसा क्या करना है, बाकायदा मैं उसमें लिखता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये काम है, ये ड्यूटी है, ये फैसिलिटी है, डॉक्यूमेंट में ये चाहिए, और उसके बाद में फिर भी आदमी पूछता है कि भाई इसका क्या है, इसके वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ कि वीडियो में हर चीज़ मैं बोल सकूँ, जो ना पढ़ा लिखा है वो आवाज़ सुन के वो समझ सके कि हाँ ये क्या काम है, क्या करना है, क्या ड्यूटी है, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा, बार बार मैं आप लोग को बताता हूँ, जब भी आप जब अप्लाई करो कोई जॉब के लिए, जब डॉक्यूमेंट डालो तो मोबाइल से फोटो खींच के ना डालो प्लीज, क्योंकि मोबाइल से फोटो खींच के डालोगे वो वही व्हाट्सएप पे ही पड़ा रह जाएगा, आगे नहीं भेजा जाएगा। जो वीडियो देखो और जो काम में आपको अप्लाई करना है उसमें जैसा मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ वैसा पहले आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, उसके बाद में आप भेजो, ठीक है। आप अच्छे से पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट अगर भेजते हो तो आपका 100% 100 नहीं 200% उम्मीद रखो कि आपका सिलेक्शन होगा और काम भी होगा। मोबाइल से फोटो खींच के भेजोगे आपको रिप्लाई टाइम पे नहीं मिलेगा, एक तो रिप्लाई इतना सारा मैसेज आता है एक दिन में दो दिन में, जैसा मैं आपको एक दो रिप्लाई भी करता हूँ तो आपका पूरा बात ही नहीं हो पाता है, कोई चीज़ बराबर क्लियर करते नहीं हो, कभी आप ऑफलाइन तो कभी हम ऑफलाइन, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो देखो तो वो हिसाब से पहले डॉक्यूमेंट रेडी करो, फिर आप डॉक्यूमेंट डालो, फिर मैसेज कर दो कि भाई मैं ये वीडियो देखा था, ये चीज़ मैं हूँ और इस काम में मैं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका फटाफट रिप्लाई होगा, हर चीज़ काम भी होगा, सारा चीज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सारा चीज़ आप लोग के समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट टाइम आप ऐसी करो, ऐसी डॉक्यूमेंट रेडी करो, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर हमारा वीडियो
वीडियो देख रहे हो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करो कि अगर आप नहीं तो आपका कोई आपके जरिए शेयर करने से भी कोई मतलब उसी का भी बेचारे का भला हो जाए जो बहुत से इंडिया में बैठे हुए हैं, काम नहीं है, बहुत से बेचारे काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, जो जाके अभी लॉकडाउन में फंस गए हैं, वीज़ा एक्सपायर हो गया है और बहुत सारा फाइन आ गया है, कंपनी नहीं बुला रही है, तो कम से कम वही लोग देख के आ सके, क्योंकि अभी बहुत बहुत से रोजी रोटी पे नहीं लगे हैं, बेचारे परेशान हैं, तो कम से कम वही काम धाम पे लग जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, कुछ पूछना है तो कमेंट करो, मैं कमेंट में भी रिप्लाई करूंगा। और अपना ख्याल रखिए, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।